नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप भी इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसी वस्तुएं जो घर में नहीं होनी चाहिए या जिनकी वजह से वास्तु के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नेगेटिविटी आती है। तो अपने घर में नेगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, ताकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाए। तो अक्सर होता क्या है, हम अपने ग्रहों को ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपनी जन्म कुंडली में आई हुई दिक्कतों को दूर करने में तो लगे रहते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी असर नहीं मिलता। तो ऐसे में वास्तु दोष कई ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियां सहनी पड़ती हैं। तो हमें उन चीजों को अपने घर से दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो वास्तु की परेशानियां, नेगेटिविटी उत्पन्न करती हैं। तो शुरू करते हैं इन 10 चीजों के बारे में। तो पहला है कबूतरों का घोंसला। यदि आपके घर में कबूतरों का घोंसला बना हुआ है तो इसे फौरन घर से हटा दीजिए। अक्सर ऐसी जगह पे, मतलब ऐसे घर में कबूतर का घोंसला जरूर बना लेते हैं, तो ये घोंसला आपको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे घर में नेगेटिविटी आती है, इससे आप अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर देखा गया है कई घरों में मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बना लेती हैं और उसकी वजह से नेगेटिविटी आना शुरू होती है। तो किसी ऐसे व्यक्ति जो कि जानकार हो, जो उस छत्ते में से शहद निकालना जानता हो, उसे बुलाकर आप घर से अपना छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता दूर करवा दीजिए, जिससे घर के अंदर नेगेटिविटी ना आए। तीसरी नेगेटिविटी जो कि अक्सर देखी गई है वो है मकड़ी का जाल। तो जिस भी घर में मकड़ी का जाल बना होता है, वहां पर नेगेटिविटी जरूर आती है। तो इसलिए घर में साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें और कहीं भी जाला लगा हुआ रहने ना दें, क्योंकि इससे बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी आती है, इससे बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि जब नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो आप ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं, और सही जब सोच नहीं होती है तो हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए घर में साफ सफाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार घर में छतों पर जाल लगे होते हैं, मकड़ी के जाल लगा होता है, हम सफाई ज़रूर करते हैं लेकिन जाल लगा रहता है, टिका रहता है। तो आपको अपने घर की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है ताकि मकड़ी का जाला आपके घर में ज़रा भी ना हो। चौथी चीज है टूटा हुआ शीशा। यदि घर में शीशा है और टूटा हुआ है तो वह नेगेटिविटी उत्पन्न करता है। तो आप अपने घर में बहुत आराम से, तसल्ली से देखिए कि कहीं घर में शीशा तो नहीं है, और टूटा हुआ शीशा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि टूटा हुआ शीशा नेगेटिविटी उत्पन्न करता है, इससे परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी को घर से फौरन दूर कीजिए आप। पांचवी चीज है चमगादड़ों की मौजूदगी। अगर आपके घर में चमगादड़ आते हैं या किसी तरह से भी उनकी मौजूदगी घर में होती है, तो ये समझ लीजिए कि घर में नेगेटिविटी जरूर आएगी और इस नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए शाम के समय, रात के समय अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद करके रखें, इससे नेगेटिविटी आने की उम्मीद कुछ कम होती है। छठी चीज है टूटी हुई दीवारें। यदि आपके घर में दीवारें टूटी हुई हैं, यदि आपके घर में सफेदी ठीक तरह से नहीं हुई हुई है, तो भी नेगेटिविटी जरूर आती है। तो इस नेगेटिविटी को घर में ना आने दें, जल्दी से जल्दी जो टूटी हुई दीवारें हैं या दीवारों में अगर तरेड़ आ रही है या फिर
आपको लग रहा है कि सीलन आ रही है दीवारों में, तो उसे बिल्कुल ठीक करें। इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी घर में प्रवेश करती है और हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। सातवीं चीज़ है, आपके घर में जल से टपकता हुआ, व्यर्थ में टपकता हुआ पानी। अगर व्यर्थ में जल टपक रहा है आपके घर में किसी भी नल से, तो उससे क्या है, आपका धन का खर्च अधिक होता है, धन का खर्च बढ़ जाता है और इससे परेशानी होती है, आर्थिक संकट आते हैं और व्यर्थ में ही दिक्कतें उत्पन्न होती रहती हैं। तो अपने घर के नलकों को फौरन ठीक करवाइए आप। आठवीं चीज है, घर में छत पे पड़ा हुआ कबाड़, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जैसे कि स्टोर रूम या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी कबाड़ पड़ा हो, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। घर में यदि कबाड़ पड़ा हुआ होता है तो उससे नेगेटिविटी बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। तो आप अपने घर में चेक करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूज़ नहीं हो रही है, कबाड़ है, उसे अपने घर से फौरन दूर करिए, ताकि कबाड़ जो है वो नेगेटिविटी उत्पन्न ना करें। नौवीं चीज है, भगवान की जब हम पूजा करते हैं या हमारे जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जब हम पूजा करते हैं तो हम उनको हार अर्पित करते हैं, हम उनको फूल अर्पित करते हैं, लेकिन ये फूल यदि बासी हो जाते हैं, हार यदि बासी हो जाते हैं, तो ऐसे हार को घर से दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे हार, ऐसे फूल नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं। तो आप बहुत जल्दी इन नेगेटिव चीज़ों को दूर कीजिए। और दसवीं चीज़ है, बिजली के तार। बिजली के तार यदि खुले हुए हैं तो उनसे भी बहुत जल्दी नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे, ताकि घर से नेगेटिविटी को आप जल्दी से जल्दी दूर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।